क्वेश्चन है अपने सामने अब मिल्क मैन यूज इस थ्री कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क देयर कैपेसिटीज आर फोर्टी लीटर थर्टी लीटर एंड ट्वेंटी लीटर रिस्पेक्टिवली ही फील्स रिस्पेक्टिवली एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एट्टी परसेंट एंड नाइन्टी परसेंट कंटेनर्स एंड मिक्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो थ्री रेशो टू फाइव रेशो वन एंड सेवन रेशो रिस्पेक्टिवली वाट इज द रेशो ऑफ द टोटल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क टू द वाटर दैट कैरीड बाय हिम एक दूध वाला दूध बेचने के लिए तीन अधानों कंटेनर्स का प्रयोग करता है जिनकी क्षमता चालीस लीटर तीस लीटर और बीस लीटर है वह क्रमशः तीन अनुपात दो पाँच अनुपात एक और सात अनुपात दो दू में दूध और पानी का मिश्रण के आधानों में क्रमशः सतासी दशमलव पाँच अस्सी परसेंट और नब्बे प्रतिशत भरता है उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है कोई डरने वाली बात नहीं है पहले क्या बोल रहा है कि उसके पास तीन कंटेनर है एक की क्वांटिटी कितनी चालीस है दूसरी क्वांटिटी तीस है और तीसरी क्वांटिटी बीस लीटर है ये लीटर में क्वांटिटी की बात हो रही है। फिर उसने क्या बोल दिया फिर उसने बोल दिया कि वो भरता है भैया इसको एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट भरता है इसको एट्टी परसेंट भरता है और इसको नाइन्टी परसेंट भरता है ठीक है और किस रेशो में भरता है मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पर थ्री रेशो टू है यहाँ पर फाइव रेशो वन है और यहाँ पर सेवन रेशो टू है ये चीज़ समझ में आई ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अब अपन अगर चेक करें एक एक चीज़ को कैसे चेक करें क्या चेक करेंगे सबसे पहले अपन देखें कि फोर्टी लीटर का एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्या हुआ फोर्टी लीटर का एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्या होगा तो परसेंट को अपन हंड्रेड करना पड़ेगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी ये पॉइंट हटाना पड़ेगा ये पॉइंट हटाया अपन ने एक जीरो बढ़ी एक जीरो से एक जीरो कट गई ये कट जाएगा चार से कितने बार में पच्चीस बार में ठीक है पच्चीस से ये कट जाएगा पच्चीस ये 75 बचेगा कितना वन टू पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस तो क्या आ गया पैंतीस मतलब उसने एक्चुअल में भरा कितना है थर्टी फाइव लीटर भरा है ठीक है ये क्वांटिटी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसने कितना भरा थर्टी फाइव लीटर ठीक है इसका चेक करते हैं थर्टी का एट्टी परसेंट कितना हो जाएगा थर्टी इंटू एट्टी अपन हंड्रेड करेंगे ठीक है ये तो आसानी से कट गया दो जीरो से दो जीरो थ्री एट या ट्वेंटी फोर ये आ गया ट्वेंटी फोर लीटर इसी प्रकार इसका आ जाएगा नाइन टू या एट्टीन एट्टीन लीटर भरा ठीक है अब अपन को पता चल गया कि उसने कितनी कितनी क्वांटिटी भरी है चालीस लीटर वाले में पैंतीस लीटर भरा है तीस लीटर वाले में चौबीस लीटर भरा है और बीस लीटर वाले में कितना भरा है अठारह लीटर भरा है तो इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को हटा देते हैं ना इसका काम खत्म हो गया अब बात करते हैं यहाँ से तो देखो पैंतीस लीटर भरा है उसने और थ्री रेशो टू में भरा है पैंतीस लीटर भरा है थ्री रेशो टू में भरा है तो इसको बांट नहीं सकते अपन थ्री की बात क्या है फोर का क्या है कैसे बांटते हैं तो टोटल कितना हो रहा है फाइव फाइव यूनिट का मतलब क्या है थर्टी फाइव फाइव यूनिट का मतलब थर्टी फाइव है तो एक यूनिट का मतलब सेवन आ गया एक यूनिट का मतलब सेवन आ गया अपन मिल्क और वाटर को अलग लिख लेते हैं यहाँ पर मिल्क लिख लेते हैं यहाँ पर वाटर लिख लेते हैं ठीक है मिल्क की बात करें तो देखो एक यूनिट का मतलब सेवन आ गया मिल्क कितना है थ्री सेवन या ट्वेंटी वन लीटर ठीक है वाटर कितना है टू सेवन टू या फोर्टीन लीटर ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अगले की बात करते हैं अगले में कितना है टोटल सिक्स यूनिट है और सिक्स यूनिट का मतलब क्या दिया ट्वेंटी फोर लीटर तो वन यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा फोर लीटर अगर वन यूनिट का मतलब फोर लीटर आ गया तो फाइव यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा वन यूनिट का मतलब अगर फोर लीटर है तो फाइव यूनिट का मतलब फाइव फोर ट्वेंटी लीटर और वन यूनिट का मतलब तो फुल लीटर है ही ठीक है ट्वेंटी लीटर क्या है मिल्क है वो फोर लीटर क्या है वाटर है टोटल ट्वेंटी फोर लीटर ही था अब तीसरे की बात करते हैं तीसरा क्या तीसरा है नाइन यूनिट नाइन यूनिट का मतलब क्या है नाइन यूनिट का मतलब एट्टीन लीटर तो वन यूनिट का मतलब कितना आ गया टू लीटर वन यूनिट का मतलब अगर टू लीटर आ गया तो सेवन यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा फोर्टीन लीटर और टू यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा टू यूनिट का मतलब आ जाएगा टू टू जो फोर लीटर अब जोड़ लो अब जोड़ लो टोटल मिल्क यहाँ से कितना आ जाएगा चार और एक पाँच दो दो चार और एक पाँच फिफ्टी फाइव लीटर ठीक है यहाँ से इसको जोड़ो चार चार आठ चार तीन बारह के दो एक और एक दो ट्वेंटी टू लीटर फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी टू तो इनका रेशो कितना आ जाएगा फाइव रेशो टू अरे कट जाएंगे ना ये ग्यारह एक पंजे पचपन ग्यारह धूनी बाईस फाइव रेशो टू कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में ठीक है